हमारे पास जो ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म है, ऑस्मो रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है, ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स की हम बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के लिहाज से हमारे पास कुछ करेक्टर्स हैं। मगर उससे पहले मैंने आपको पहले बताया कि दुनिया में दो ग्रुप ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा एडवांस हैं, जो इस टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं। इनवर्टिब्रेट्स में जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर अगर हम बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स में बेटा सबसे ज्यादा जो एडवांस ऑर्गेनिज्म हैं सर्वाइवेबिलिटी के लिहाज से, वो हैं स्पेशली हमारे पास जो है इंसेक्ट्स हैं या अर्थ्रोपोड्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स में, दोबारा सुन लें, इनवर्टिब्रेट्स में जो टेरेस्ट्रियल वेल एडॉप्टेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे पास जो जानदार हैं, दैट ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज इंसेक्ट्स, आर वी कैन से द इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास में अर्थ्रोपोड्स हैं। अर्थ्रोपोड्स सबसे ज्यादा एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं, किसके अंदर, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में बेहतर तरीके से एडॉप्ट करने के लिहाज से। फिर उसके बाद वर्टिब्रेट में हम आते हैं तो सबसे पहले जो एडवांस ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर आए वो थे हमारे पास रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आर द फर्स्ट वेल एडॉप्टेड वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट वेल एडॉप्टेड ऑर्गेनिजम्स, वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स जो थे वो कौन से जानदार हैं हमारे पास, वो हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स बेटा ऐसे जानदार हैं जो जमीन पे अपने आप को पहली मरतबा इन्होंने एडजस्ट किया। तो अगर हम एनिमल्स की हम बात करते हैं तो उनके पास कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास कुछ चीजें हैं जिनकी मदद से ये अपने आप को एडजस्ट करने जा रहे हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं स्पेशली, उनके पास बेटा वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग होती है। वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग होती है, जैसे रेप्टाइल्स हैं, जैसे बर्ड्स हैं, जैसे मेमल्स हैं, इनकी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली केराटिनाइज्ड लेयर पाई जाती है। इसमें जो रेप्टाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रेप्टाइल्स हैं, कौन से जानदार रेप्टाइल्स हैं जैसे, और उसके बाद जो बर्ड्स हैं और उसके बाद जो मेमल्स हैं, इनके पास क्या पाया जाता है, केरेटेनाइज्ड लेयर पाई जाती है। केरेटेनाइज्ड डेड लेयर पाई जाती है। केरेटिन प्रोटीन की होती है। केरेटेनाइज्ड डेड लेयर पाई जाती है। केरेटेनाइज्ड डेड लेयर एवापोरेशन ऑफ वाटर से बचाती है, या प्रोटेक्ट फ्रॉम द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी से बचाती है। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, इनमें स्किन के ऊपर प्रोटेक्टिंग लेयर पाई जाती है जो केराटिनाइज्ड होती है, डेड होती है। और फिर उसके बाद आपके पास अगर इनवर्टिब्रेट में आप बात करते हैं इंसेक्ट्स की, स्पेशली इंसेक्ट्स की बेटा, तो इन इंसेक्ट्स के पास क्या पाया जाता है, इंसेक्ट्स के पास एक चीज पाई जाती है वो है क्यूटिकल। क्या है, क्यूटिकल, क्यूटिकल पाया जाता है उनके पास, या आप कह सकते हैं कि दे पजेस एक्सो स्केलीटन। स्पेशली क्या पाया जाता है उनके पास, एक्सो स्केलीटन पाया जाता है, एक्सो स्केलीटन पाया जाता है, एक्सो स्केलीटन पाया जाता है। एक्सो स्केलीटन क्या है, एक्सो स्केलीटन इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जो क्यूटिकल कहलाता है। क्यूटिन जो है इससे प्रोटीन से बना होता है, क्यूटिनाइज्ड होता है। क्यूटिकल्स के लिहाज से हमारे पास, दोबारा सुन लें, कि जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनके पास क्यूटिनाइज्ड लेयर पाई जाती है, केराटिनाइज्ड लेयर पाई जाती है जो इनकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। जो इंसेक्ट हैं इनके पास क्यूटिकल पाया जाता है, या एक्सो स्केलेटन पाया जाता है, जिन जिनके लिए हम कहते हैं कि दे हैव वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग जो इनको प्रोटेक्ट करती है हार्ट कंडीशन में, हार्ट इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिहाज से। एक और चीज भी है जो आप देख सकते हैं, हमारे पास कुछ जानदार और भी हैं। जैसे हमारे पास बेटा, आपके पास एक वेल एडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म आपके पास अवेलेबल है,
जैसे आपके पास जो है क्रोकोडाइल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, जैसे कौन से जानदार हैं हमारे पास, क्रोकोडाइल्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे क्रोकोडाइल्स वाले बेटा हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं। क्रोकोडाइल्स वाले हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं। ये क्रोकोडाइल्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें क्या होता है, स्किन के ऊपर स्क्यूट्स पाए जाते हैं, स्किन के ऊपर स्क्यूट्स पाए जाते हैं, स्किन के ऊपर स्क्यूट्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, स्क्यूट्स पाए जाते हैं। और उसके बाद आपके पास एक और जानदार भी है, दैट इज अ टर्टल। क्या है हमारे पास, टर्टल अवेलेबल है। और टर्टल में, टर्टल अगर हम देखें तो इनके पास क्या पाया जाता है, दे पज शेल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप नाम दे सकते हैं कि इनके पास आर्मर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आर्मर, एक कवरिंग पाई जाती है, और ये कवरिंग इनको जो है एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एनवायरमेंटल कंडीशन। टर्टल्स हैं, टर्टोआइस हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, एलिगेटर्स हैं, ये ऐसे जानदार हैं, इनकी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग शीट पाई जाती है, और ये इनको ज्यादातर हर एनवायरमेंटल कंडीशन में, एवरीवेयर दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनवायरमेंटल कंडीशन। और इसके बाद जो दूसरे एनिमल्स हैं हमारे पास हैं, स्पेशली नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से अगर एक और चीज हम देखें तो दे हैव स्टोरिंग एक्सक्रिएटरी सॉलिड वेस्टेस। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और जो रेप्टाइल्स हैं इनके पास क्या होता है, क्लोका होता है, इंसेक्ट्स भी स्पेशली, इनके पास क्या होता है, क्लोका होता है, मीन सिंगल पोर होता है, दे हैव वन पोर, दे हैव जस्ट सिंगल पोर होता है इनके पास, और उस सिंगल पोर होने की वजह से उसमें से क्या करते हैं, कौन से जानदार हैं, रेप्टाइल्स हैं स्पेशली, कौन से जानदार हैं बेटा, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स हैं, और उसके बाद हमारे पास बर्ड्स हैं, और उसके बाद इंसेक्ट्स हैं। ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं, किस चीज को स्टोर करते हैं, यूरिक एसिड को, यूरिक एसिड को स्टोर करते हैं। यूरिक एसिड क्या है, CONH2, C5O3, N4 और H4, दिस इज अ यूरिक एसिड। दोबारा देख लें, C5O3 N4 H4, दिस इज अ यूरिक एसिड। ये कहां पे जमा करते हैं, अपने रेक्टम में, क्लोका में जमा करते हैं, रेक्टम वाली जगह पे क्लोकल रीजन होने की वजह से वहां पे जमा करते हैं, और वहां पे ये कोशिश करते हैं कि इस यूरिक एसिड को रखा जाए, और जितना भी पानी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के साथ अवेलेबल है उसको ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किया जाए। आप जो है फर्स्ट ईयर में आपने जो है डाइजेशन इन काकरोच पढ़ी है, काकरोच में क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रिएटरी सिस्टम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिहाज से अगर हम देखते हैं उनके पास, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट वाली पॉइंट पे जहां पे मेलपिगन ट्यूबुल्स मटेरियल आकर रिलीज करवाती हैं, तो वहां पे एक्सक्रिएटरी मटेरियल जमा हो जाता है। तो एक्सक्रिएटरी मटेरियल जमा करने का मतलब ये होता है कि हाइपरटोनिक कंडीशंस को भले मेंटेन कराया जाए, मगर ज्यादा से ज्यादा पानी जो है किसके अंदर एड कराया जाए, ब्लड के अंदर एड कराया जाए। दोबारा सुन लें, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, इनके रेक्टम के अंदर जो है ये यूरिक एसिड को जमा करते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड सॉलिड फॉर्म में भी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी एक्सक्रिएट आउट हो सकता है। ये जानदार क्लोकल है, क्लोका का मतलब है कि उनके पास एक पोर है जहां से वो एक्सक्रिएशन भी करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं और इजेशन भी करते हैं।
तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को भी वहां से निकालते हैं, मीन सिंगल पोर फॉर थ्री पर्पस होने की वजह से इसको क्लोकल कहा जाता है। और मेमल्स जो होते हैं उनके पास एक पोर होता है फॉर द इजेशन, और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन और एक्सक्रिएशन के लिए होता है, जो मेमल्स के अंदर स्पेशली पाया जाता है। तो स्टोरिंग एंड एक्सक्रिएशन ऑफ सॉलिड वेस्ट का मतलब क्या है कि ये जानदार अपनी बॉडी के अंदर एक्सक्रिएटरी मटेरियल को स्टोर करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। और ये क्या करते हैं कि सॉलिड वेस्टेस के फॉर्म में किसको रिमूव करते हैं, यूरिक एसिड को। यूरिक एसिड को ये सॉलिड फॉर्म में पास करते हैं, यूरिक एसिड को ये सॉलिड फॉर्म में पास करते हैं। यूरिक एसिड इनकी बॉडी के अंदर एक्सक्रिएट आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड सॉलिड फॉर्म। और फिर उसके बाद एक चीज वाटर प्रूफ होगी, दूसरी स्टोरिंग एंड एक्सक्रिएशन मैकेनिज्म हो गया, और तीसरी चीज की तरफ हम आते हैं। तो नेक्स्ट जो कॉमन चीज स्पेशली यूज करते हैं कौन से जानदार, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन, यूज ऑफ मेटाबोलिक वाटर। बेटा आपने कैंगरू सुना होगा, आपने कैमल सुना होगा, ये जानदार ऐसे हैं जो हमेशा, कौन से जानदार स्पेशली आप देखें, कैमल है हमारे पास, या उसके बाद जो है किंगारू, आर वी कैन से द कैंगरू। कैंगरू जो है इनके पास भी ये मैकेनिज्म है कि ये अपनी बॉडी के अंदर, या रेट्स कहते हैं बेटा, रेट दुनिया में वो जानदार है जो पानी पीने के लिए कम ही बाहर निकलता है, वरना घर के अंदर इसको हम मार दें कि इसका पानी बंद कर दें और उसकी वजह से। तो ये जानदार कैसे होते हैं, अपनी बॉडी के अंदर कुछ मेटाबॉलिक मींस बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रोसेस करते हैं जहां से मेटाबॉलिकली वाटर रिलीज होता है। पहले भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए कि हाइड्रोलाइसिस और डिहाइड्रेशन वाले प्रोसेस होते हैं। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें से पानी रिलीज होता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि पानी उसके अंदर एड हो रहा होता है। ये ऐसे प्रोसेस प्रोसीड करते हैं जिसमें से पानी रिलीज होता है, और उसी पानी को ये अपने प्रोसेस के अंदर या मेटाबॉलिक रेट के अंदर यूटिलाइज कर रहे होते हैं। दोबारा सुन लें, कैमल है, कैंगरू है, रेट्स हैं, या कुछ ऐसे जानदार जो डेजर्टेड हैं या टेरेस्ट्रियल हैं जो ज्यादा देर तक दूर रहते हैं पानी से, उनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म से पानी रिलीज होता है, और उसी पानी को अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए या बॉडी के अंदर ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वाटर इज नोन एज अ बफर, यू नो वेरी वेल, क्योंकि जब भी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो वाटर इज ए बफर यूज किया जाता है और उस चीज को मेंटेन करवाने की कोशिश की जाती है। और इसके बाद एक नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, दैट इज द स्टोरिंग द वेस्टेज। ये मेमल करते हैं, हमारे पास होता है, हम अपनी किडनी के अंदर थोड़ा बहुत जो है थोड़ा बहुत यूरिया स्टोर करते हैं, अमोनिया यूरिया स्टोर करते हैं। स्टोर करने का मतलब क्या होता है कि हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट की जाए, कहां पे, ब्लड में, क्योंकि आपकी ब्लड के अंदर 0% यूरिया नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, कभी भी नेग्लेजिबल नहीं होगा। जब भी आप यूरिया की परसेंटेज लेंगे तो यूरिया की कुछ ना कुछ परसेंटेज आपके ब्लड के अंदर आ रही होगी। ऐसे ही हम किडनी के अंदर स्टोर करवाते हैं। स्टोर करवाने का मतलब क्या होता है कि हाइपरटोनिक कंडीशंस को मेंटेन कराया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। वो कैसे होता है, वो हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके अंदर पता चलेगा हमें कि किस तरीके से हाइपरटोनिक हमारे नेफ्रॉन के अंदर, ब्लड के अंदर पीएच हो रही है, ये हो रही है, सोल्यूशन हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है। दोबारा सुन लें, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जानदार हैं जो लैंड पे रहते हैं, और सबसे एडवांस ऑर्गेनिजम्स इनवर्टिब्रेट में लैंड ड्यूलर्स के लिहाज से हैं वो हैं अर्थ्रोपोड्स या इंसेक्ट्स हैं। वर्टिब्रेट्स में हमारे पास जो पहले जानदार हैं वो रेप्टाइल्स हैं, फिर उसके बाद सब जानदार। आप बेटा देखें, रेप्टाइल्स आपको हर जगह पे मिलेंगे, आप चाहे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में चले जाए, आप डेजर्ट में चले जाएंगे आपको जो है टर्टल्स मिलेंगे, वहां पे आपको जो है स्नेक मिलेंगे, वहां पे आपको लिजर्ट मिलेगी, आप चाहे घर के अंदर मौजूद हो तो भी ये जानदार मिलेंगे, आप चाहे जो है फॉरन पानी की तरफ चले जाएं तो भी आपको ये रेप्टाइल्स मिलेंगे। तो ये रेप्टाइल्स जो है इन्होंने अपने आप को इस तरीके से, मीन्स पहले एम्फीबियंस थे जो लैंड पे आए थे, मगर दे आर नॉट मीन्स वेल डेवलप्ड,
या वेल एडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म, उन्होंने अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाए वो, तो इस वजह से दूसरे जानदार जो वेल एडॉप्टेड वर्टिब्रेट्स डेवलप हुए फर्स्ट टाइम, दैट वर द रेप्टाइल्स। सो रेप्टाइल्स आर द फर्स्ट वेल डेवलप्ड वर्टिब्रेट्स, और ये वर्टिब्रेट्स हैं जो एनवायरमेंट के लिहाज से अपने आप को जो है मेंटेन करवाते हैं। तो पहली चीज होगी वाटरप्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग है, स्टोरिंग यूरिक एसिड करते हैं, एक्सक्रिएशन सॉलिड फॉर्म में यूरिक एसिड को पास करते हैं। ये कौन करते हैं? रेप्टाइल्स करते हैं, बर्ड्स करते हैं, और उसके बाद जो है इंसेक्ट्स करते हैं। ये ऐसे जानदार हैं जो इन चीजों को बॉडी से रिलीज कर सकते हैं। यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर का मतलब क्या है कि वो जानदार जो स्पेशली टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में रहते हैं और लॉन्ग टाइम तक अपने पानी को यूटिलाइज नहीं करते, वो मेटाबॉलिक वाटर की मदद से अपने आप को एडॉप्ट करवा रहे होते हैं। जैसे आपके पास कैमल है, कैंगरू है, रेट्स हैं, या ऐसे तमाम जानदार जो पानी को यूटिलाइज कम करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं या मटेरियल्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो वो जानदार स्पेशलिस्ट चीज को। चौथी चीज जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्टोरिंग वेस्ट। हम अपनी बॉडी के अंदर थोड़ी क्वांटिटी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट को स्टोर करते हैं किडनी में, ताकि हम प्रॉपरली अपनी बॉडी के अंदर इस प्रोसेस को मेंटेन कर सकें या मेंटेन कर सकें। तो नॉर्मली हमारे पास जो है ये चीजें अवेलेबल है। तो हम प्रोटोजोन्स की तरफ हम आते हैं। किसकी तरफ हम आते हैं? प्रोटोजोन्स की तरफ हम आते हैं। प्रोटोजोन्स यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोन्स बेटा क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन इन प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑस्मोरेगुलेशन इन यूनिसेल्युलर प्रोटोजोन्स का मतलब क्या है कि ये वो जानदार हैं जो एक सेल वाले हैं, मगर एनिमल्स के साथ रिलेटेड हैं, और ये फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स की हम बात कर रहे हैं। फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स और मैरीन वाटर प्रोटोजोन्स। जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स हैं, दोबारा सुन लें, जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स हैं, दे हैव कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स के पास क्या होता है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। दे हैव कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। इनके पास जो है क्या पाया जाता है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की अवेलेबिलिटी है। कंट्रैक्टाइल कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है इनके पास। क्या पाया जाता है बेटा? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। हमारे पास किडनी है और इन जानदारों के पास कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की अवेलेबिलिटी है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब यह है कि इनकी बॉडी के अंदर एक्सटर्नली वाटर जो है बॉडी के अंदर एड होता है। जब बॉडी के अंदर पानी एड होता है तो उस दौरान ये अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस जगह पे। तो इनके पास क्या पाया जाता है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल वर्क इज लाइक किडनी। हमारे पास किडनी है तो ये जानदार कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से अपने आप को मेंटेन करवा रहे होते हैं। तो ये जानदार जो है इनके पास कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, और ये प्रोसेस बैलेंस करने के लिए सेम तरीके से ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक कंडीशन में रहने वाले जानदार क्या प्रोसीड करते हैं, किस तरीके से मेंटेन करते हैं अपने आप को? बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। तो इन जानदारों को आप ऑस्मोरेगुलेटर कह सकते हैं। और इनकी अगर हम बॉडी देखें, इनकी अगर हम बॉडी को देखें तो इनके पास भी इसी तरीके से आप जो है स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसे। कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जानदार है, दिस इज एमेबा फॉर एग्जांपल। क्या कौन सा जानदार है? एमोबा है, एमेबा है। तो इसका बाहर वाला इन्वायरमेंट क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनका क्या है? हाइपोटोनिक है। क्या बेटा? हाइपोटोनिक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनका क्या है? हाइपोटोनिक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है इनका? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनका है हाइपोटोनिक। दिस इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हाइपोटोनिक है।
इंटरनल एनवायरनमेंट इनका क्या है, हाइपरटोनिक है। और मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है कि जिस तरफ हाइपरटोनिक कंडीशन है उसको ऑस्मोसिस के लिए वाटर एब्जॉर्ब करने की ज्यादा सलाहियत है, या ऑस्मोटिक प्रेशर की जो थर्स्ट है, या हम कहते हैं कि वाटर पोटेंशियल जो है वो लेस है उसमें, किसमें, जिसमें हाइपरटोनिक कंडीशन है उसका वाटर पोटेंशियल लेस है, और जिसमें हाइपरटोनिक कंडीशन है उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, पानी हमेशा बाहर से अंदर की तरफ आएगा सेल के अंदर। किस कंडीशन में, किस कंडीशन में, क्योंकि यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स जो है वो पानी के अंदर रहते हैं, और पानी का जो बाहर वाला जो इस जानदार का एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक है, मींस दैट पजेस मोर वाटर पोटेंशियल, और अंदरूनी जो एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है, दैट पजेस लेस वाटर पोटेंशियल बट मोर ऑस्मोटिक प्रेशर है इसके पास। इसका मतलब ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है कि फ्लो ऑफ वाटर जो है फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक हो सकती है। तो इस वजह से ये सेल के अंदर पानी मूव करता रहता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लेवल, बट इट डू नॉट पजेस सेल वॉल। सेल वॉल ना होने के बावजूद इसका सेल बर्स्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज दे हैव कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। जैसे मैंने कल बताया था आपको, किसी भी सेल को आप लेकर पानी के अंदर डालते हैं, उसके पास अगर ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है, उसके पास अगर ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है, तो वो जानदार बेटा क्या करता है कि इस टाइप की चीज को जो है फॉलो कर रहा होता है। ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जिसके पास नहीं है, जिसके पास ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है, वो सेल डेथ होगा, उस सेल की डेथ होगी, वो सेल बर्स्ट होगा, क्योंकि प्रोटोजोन्स जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दिस इज नॉट अ सिंगल सेल, दिस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेचर ने इनको एक मैकेनिज्म दिया है कि इनकी बॉडी के अंदर जैसे ही पानी इजाफी आए तो एक्सेस वाटर को एड करवाते हैं किसके अंदर, अपने वैक्यूल के अंदर, और उस वैक्यूल को नाम दिया जाता है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का नाम दिया जाता है। इस जगह पे देखें, ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है किसकी मदद से रेगुलेट होता है, बाय द हेल्प ऑफ कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। दे हैव कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इनके पास पाया जाता है। अब कंट्रेक्टाइल वैक्यूल किस तरीके से होता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल किस तरीके से होता है, ये हम डिस्कस करते हैं कि ये वैक्यूल किस तरीके से और कैसे होता है। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के लिहाज से हम देखें अगर, तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कौन से जानदार हैं यूनिसेलुलर, आपके पास पैरामीशियम है, आपके पास एमेबा है, आपके पास वो तमाम जानदार हैं जो फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर आप फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म स्पेशली आप डिस्कस करते हैं। तो इस जानदार के अंदर आप देखें, इस जगह पे आपको कौन सी चीज नजर आ रही है, दिस इज नोन एज, ये कौन सी चीज आपको नजर आ रही है, ये हमारे पास है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इनके पास अवेलेबल है, दिस इज अ कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये है। और इसके पास ये हल्के हल्के से छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जानदार जो है एमोबा जो है खाना डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद फूड वैक्यूल बनाता है, और उस फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन से माइक्रोपाइनोसाइटोसिस की मदद से फूड ट्रांसपोर्ट होता है ईच एंड एवरी पार्ट। इसी तरीके से इन जानदारों में क्या है कि ये एक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज अ कैनाल्स। जब पानी इसके अंदर भर जाता है, जैसे ही वैक्यूल के अंदर पानी भर जाता है और वैक्यूल फुल हो जाता है, वैक्यूल जैसे ही फिल हो जाता है तो इसका पानी बॉडी से रिलीज करने के लिए एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूं जो आप देख लें। इस जगह पे बेटा देखेंगे कि किस तरीके से कंट्रेक्टाइल वैक्यूल वर्क कर रहा है। हमारे पास ये है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, सेल के अंदर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल मौजूद है, ये फुल कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है,
या आप इधर से देखें, ये एम्प्टी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है साइटोप्लाज्म के अंदर, दिस इज एम्प्टी वैक्यूल। अब ये एम्प्टी वैक्यूल जो है बाय द हेल्प ऑफ दीस कैनाल्स ये वाटर को एब्जॉर्ब कराएगा अंदर, और पानी जैसे ही फुल हो जाएगा इसके अंदर, इस तरीके से ये वाटर से फुल हो चुका है, ये फिलिंग हुई है इसकी, पानी जैसे ही भर जाएगा देन इट मूव टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म के अंदर एक या उससे ज्यादा कंट्रेक्टाइल वैक्यूल मौजूद होते हैं। जानदार जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करता है और वैक्यूल भर जाता है, देन इट मूव टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाता है और सेल मेम्ब्रेन के करीब आकर ये कंट्रैक्ट होता है और पानी को बाहर रिलीज कराया जाता है। इस वजह से हम कॉमनली नाम देते हैं कि ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है। ये वैक्यूल फुल हो गया और फिर उसके बाद इसके पोर्स ओपन होंगे और ये वैक्यूल जो है एक्सक्रीटरी एक्सेस मटेरियल को जो है बॉडी से क्या करवा देगा, रिलीज आउट करवा देगा। तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है, ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की बाहर वाली ये लेयर्स है, ये पोर्स है, एक्सेस मटेरियल जो है इस जगह से ये पास आउट करवा देता है इसे, इस तरीके से। तो एक्सेस मटेरियल जो है मींस हम ये कंट्रैक्ट होगा तो इसमें से एक्सक्रिएटरी मटेरियल रिलीज आउट होगा और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये एक्सक्रिएशन बाय द हेल्प ऑफ कंट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रोसीड करते हैं। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रोसीड करते हैं इस जगह पे देखें। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक जानदार है जिसको आप नाम दे रहे हैं कि ये एमेबा है, क्या बेटा ये एमेबा है, इसके अंदर ये फॉर एग्जाम्पल ये वैक्यूल अवेलेबल है, दिस इज अ वैक्यूल। जैसे ही पानी इजाफी होगा इसके साइटोप्लाज्म के अंदर तो एक्सेस वाटर मूव इनसाइड दिस वन, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा। आप जैसे ही ये वैक्यूल भर जाएगा देन मूव टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की तरफ आकर ये कंट्रैक्ट होगा और कंट्रैक्ट होने के बाद इजाफी जो वाटर है H2O जो इजाफी है, पहले ये वाटर इजाफी आ रहा था, इसका एग्जांपल ऐसे जैसे हम आप जो है यूजुअली पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद पानी हमारी ब्लड के अंदर चला जाता है, फिर हम फटते नहीं है, हमारे सेल बर्स्ट नहीं होते, क्यों नहीं होते, बिकॉज वी हैव किडनी, हमारे पास किडनी है और ये किडनी होने की वजह से एक्सक्रिएटरी मटेरियल को हम पास आउट करते हैं या रिलीज आउट करते हैं। तो एक्सक्रिएटरी मटेरियल हमारी बॉडी से क्या होता है, एक्सक्रिएट आउट होता है, रिलीज आउट होता है, और इस एक्सक्रिएटरी मटेरियल को रिलीज करने के लिए हमारे पास किडनी पाई जाती है। और जबकि इन जानदारों के अंदर किस चीज की अवेलेबिलिटी है, दे हैव कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, दे हैव कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की अवेलेबिलिटी है, दे हैव कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, इनके पास क्या पाया जाता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। दोबारा सुन लें, वो तमाम जानदार जो इस यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई नॉट मींस मैरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स, मैरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट पजेस कंट्रेक्टाइल वैक्यूल बिकॉज दे लिव इन आइसोटोनिक कंडीशन। ये हम फ्रेश वाटर की बात करें, जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बेटा क्या हमने पढ़ा है, हाइपोटोनिक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है इसका, हाइपोटोनिक है, और इंटरनल इन्वायरमेंट इसका हमने क्या डिस्कस किया है अभी कि वो हाइपरटोनिक है। इंटरनल इन्वायरमेंट इज हाइपरटोनिक, ऐसे होने के बावजूद अगर हम आरबीसीज पानी के अंदर डालते हैं, मीन्स बॉडी से निकालकर, आपकी बॉडी के अंदर होंगे तो फिर कोई कुछ भी नहीं होगा, अगर आप बॉडी से निकालते हैं और किसी भी कंटेनर के अंदर एड करते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है। इस लिहाज से कंट्रेक्टाइल वैक्यूल बाहर से जैसे ही पानी सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा तो एक्सेस वाटर ऑफ साइटोसोल या साइटोप्लाज्म कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर जमा होगा। जैसे ही कंट्रेक्टाइल वैक्यूल फुल हो जाएगा, फिल हो जाएगा, देन इट मूव टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा और ये कंट्रैक्ट होगा और एक्सेस वाटर रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी, और इसी तरीके से ये जानदार अपने आप को मेंटेन करवाते हैं या मेंटेनेंस दिखाते हैं। तो ये कंडीशन है किस जानदारों के लिए, ये उन जानदारों के लिए जो स्पेशली एक्सक्रिएशन बाय द हेल्प ऑफ कंट्रेक्टाइल वैक्यूल करते हैं। तो इस तरीके से आप दोबारा देख लें,
फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स में कंट्रेक्टाइल वेक्यूल होता है, मेरीन वाटर प्रोटोजोन्स में कंट्रेक्टाइल वेक्यूल नहीं होता, कंट्रेक्टाइल वेक्यूल नहीं होता। और कंट्रेक्टाइल वेक्यूल क्यों नहीं होता, क्योंकि वो आइसोटोनिक कंडीशन में रहते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर है, एमोबा है, पैरामीशियम है, इनके पास कंट्रेक्टाइल वेक्यूल पाया जाता है, क्योंकि ये ऑस्मो रेगुलेटर है, रेगुलेट करते हैं कि इजाफी पानी जब अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो फिर कहाँ जाए, तो इस वजह से वो 24/7 24 घंटे पानी के अंदर रह रहे हैं, अपने कंट्रेक्टाइल वेक्यूल की मदद से इस चीज को मेंटेन करवा रहे होते हैं और इसी तरीके से अपने आप को मेंटेन करवा रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये जो जानदार हैं स्पेशली, ये जानदार अपने मैकेनिज्म को इस तरीके से मेंटेन करते हैं। आगे इंशाल्लाह कल हम इसको आगे पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन है आपके लिए मैं उसके लिए एक अलग मीटिंग ओपन कर रहा हूँ, आप उसके अंदर ऐड होना और मैं आपके आंसर करता हूँ क्वेश्चंस जो भी हैं आपके, कोई इशू नहीं है। रेज योर हैंड्स देयर। थैंक यू वेरी मच।